ये महसी क्षेत्र का घुमनी गांव है। ये वही घुमनी गांव है जहां 2:30 बजे रात को 6 माह के बच्चे आरूष के ऊपर भेड़िए ने हमला कर दिया। यहां के लोग डरे हुए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, आरूषी की माँ आरूष को रात को 2:30 बजे छत के ऊपर लेकर सो रही थी और बारिश जैसे हुई वो नीचे आ गई और नीचे बरामदे में तख्त के ऊपर बैठी हुई बच्चे को दूध पिला रही थी। उसी वक्त दबे पांव भेड़िए ने आकर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। आरूष गंभीर रूप से घायल है, बहराइच के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। यहाँ का माहौल ये है कि लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि अभी बीते 20-25 दिनों से यहाँ पर कोई घटनाएं नहीं हुई थी। लोग बिल्कुल इत्मीनान में हो गए थे कि अब घटनाएं नहीं हो गई। अब जब घटना हो गई है तो हम बात करेंगे किस तरह का माहौल है। क्या नाम है आपका? नीरज शुक्ला। नीरज जी, कौन सा घर है आपका? घर हमारा इस घर के उस पार है। ये आप ही के गांव में यहाँ घटना हुई? हमारे गांव में रात में भेड़िए ने बहुत ज्यादा आतंक फैलाया। 10-15 दिन हम लोग दबे पड़े थे कि नहीं हो रहा है ऐसा कांड। इसके बाद एकदम से कल हादसा हुआ तो बहुत लोग डरे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तो कैसे अब आप लोग बचाव कर रहे हैं? अब हम लोग डंडा लाठी लेके और गांव में पहरा करके बचाव कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के माध्यम से कुछ सरकार से भी चाहिए कि हाँ यहाँ पे पहरेदार बढ़ाए जाएं। और जैसा कि है भेड़िया एकदम से 10-15 दिन रुकने के बाद में फिर से कर रहा है, तो इसका मतलब तो पूरे गांव में दहशत है। पूरे गांव में दहशत है, बहुत लोग डरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब अपने अपने घरों में अंदर रहते हैं, लेकिन जब लाइट नहीं रहती है तो छत पे जाते हैं या नीचे आते हैं। अब लाइट बारिश होगी या नहीं होगी तब लाइट नहीं रहती है, वैसे तो लाइट रहती है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे स्टार्ट हो जाता है, बहराइच सीतापुर हाईवे चेलारी घाट। 6 किलोमीटर के बाद से एक घनी आबादी हो जाती है। ये गांव है, यहाँ भी कई ऐसे घर हैं, पक्के बने हैं, कच्चे बने हैं, और इन घरों से थोड़ी ही दूर बात की जाए 400 मीटर 500 मीटर की दूरी से तो गन्ने के धान के खेत शुरू हो जाते हैं। उन्हीं खेत में कहीं ना कहीं घात लगाए ये भेड़िए बैठे रहते हैं और मौके की तलाश करते हैं। जैसे ही इनको मौका मिलता है ये मासूमों को ऊपर झपट लेते हैं। यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं मौजूद, हम उनसे भी बात करेंगे। आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद जी, कौन सा घर है आपका? ये क्या घटना हुई आपके ये घर के सामने? घर के सामने रात में चिल्लाहट पड़ी, तब बाद में जागे तो कुछ आदमी, जैसे हमारे हम 6 भाई हैं, तो 3 भाई थे, तीनों डंडा लिए बाहर, ये फरका लगाया, फरका खोले बाहर आए तो देखे वो उनकी महतारी भी और उनके पापा भी दो जने चिल्लाए रहे थे। तो देखा का तब एम्बुलेंस थी, फोन किन गा तब वो रात में लेके गए महसी कहीं। किस जगह पर पकड़ रखा था भेड़िए ने? वो कमरा में। कमरे में जी? क्या ब्लड वगैरह का खून वगैरह भी निकल रहा? हाँ, निकल रहा था ये गर्दन में। अच्छा, तो ये जब घटना हो गई है इसके बाद क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है? बहुत डरे हैं सब लड़के बच्चे भी, अगर स्कूल पढ़ो तो कहते हैं कि हम जाब भी ना, और हुआ जाए में अभी दिक्कत है, और घरों से भी डर रहा था कि कहीं बाई चांस अगर। अच्छा, तो किस तरफ से ये भेड़िया आया होगा, क्योंकि उधर भी मकान बने हैं, रास्ता किधर सा था? तो ये इधर से आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। अच्छा, इधर भी खेत है? हाँ, ये पूरा खरिहाना है, और खेत तो ये थे शुरुआत है, और आगे गन्ना भी लगा है, जुंदरी भी लगी है। तो यहाँ पर कुछ साथी और मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका घर कौन सा है? हमारा घर थोड़ा यहाँ से दूर है। दूर है, तो बताइए घटना से क्या माहौल है पूरे गांव में? घटना से दहशत यहाँ से फैली हुई है, दहशत है खूब। यहाँ रात में सब सोते नहीं है, जागते हैं, अब आज तो और ज्यादा दहशत है। ये बताइए, 5 भेड़िए वन विभाग ने पकड़े हैं, वो कह रहा है एक बचा हुआ है, आप लोग क्या मान रहे हैं? मान रहे हैं बचा हुआ, अगर बचा नहीं होता तो ये अटैक कहाँ करता है यहाँ? तो ये वही आदमखोर भेड़िया है? वही है, वही है। तो साथियों, ये गांव वाले हैं, सब डरे हुए हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, लोग रातों को जाग रहे हैं। मैं दिखा दूं, ये जो छत आप देख रहे हैं, ये आरूष इसी के ऊपर अपनी माँ के साथ सोया हुआ था, और रात को जब बारिश हुई तो धीरे 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 वो लोग जब नीचे आए, मैं दिखा दूं, ये घर है आरूष का, 6 माह का जो बच्चा था, ये देखिए अभी यहाँ पर चारपाई लगा दी गई है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि एक बार भेड़िए ने इस छत के ऊपर भी चढ़ने का प्रयास किया। बचाव के लिए इन लोगों ने चारपाई लगा दी ताकि भेड़िया ऊपर न जा पाए, और जैसे ही माँ उसके नीचे आई, ये जो वो जगह है वो तख्त है, ये जहाँ पर आरूष सो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, माँ उसकी दूध पिला रही थी, यही वो स्थान है, और भेड़िया दबे पाँव यहाँ पर आता है
और यहाँ पर उसका एक निशान भी दिख रहा है भेड़िए का, लोगों ने उसको घेर दिया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें, ये वही निशान है भेड़िए का जिसको आप देख रहे हैं, यहीं से वो भागा है। उसकी माँ ने इसी तख्त के ऊपर भेड़िए से जद्दोजहद की है और उसके बाद भेड़िया यहाँ से निकल गया है। यहाँ पर एक घर की महिला मौजूद है, इसी घर की, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुनीता। सुनीता जी, क्या हुआ है रात को यहाँ पर? रात को यहाँ भेड़िया आवर है तो भैया के नट्टे पकड़ ले रहा था, एक ऐसी दांत गड़गा रहा, एक पाछे दांत गड़गा रहा। तो आप लोग इस घटना के बाद डरे हुए? हाँ, डर तो लागत है, डर लगता है। रात को क्या माहौल था जब बच्चे को उसने दबाया भेड़िए ने, तो किस तरह का यहाँ पर माहौल था? अब ये हम ना जानते थे, आवा तो रहा है भेड़िया, रात को यहाँ आवा रहा, बत्ती चली गई तब आवा रहा है। तो ये घर के लोग हैं, यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे भी बहुत सारे हैं, एक इसमें से आरुष का बड़ा भाई भी है, ये पवन नाम है, इसी का छोटा भाई है। बेटा जिसको भेड़िए ने मारा है वो कौन है? हमला किया है जिसके ऊपर? छोटा छोटा भाई है जी। तो अफसोस है, आप दुख में हो जी? कैसे क्या हुआ था जानते हो कुछ? हमको नहीं। कहाँ पर माँ उसको लेकर आपके भाई को बैठी थी जी? तो बैठी थी तो आप डर गए हो गए हैं? रो मत, चुपो, कुछ नहीं होगा, चुपो। ये बच्चा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने भाई बहन को बहुत प्यार करते हैं और जब इस तरह की घटना हो जाए तो डर जाते हैं। जब बड़े डर जाते हैं, पूरा माहौल डरा हुआ है, पूरी गांव में दहशत है, तो ये तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। यहाँ पर गाँव के कुछ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आ जाइए इधर। क्या नाम है आपका? कन्हई लाल। कन्हई जी, कौन सा घर है आपका? हमारा पीछे घर है। तो बिल्कुल पीछे आपका घर है और आगे ये घटना हुई है, क्या हुआ था? यहाँ रात में सोए थे सारे, रात में बारिश आई है 1 बजे मतलब। अच्छा। हल्की उल्की सी बारिश आई है और हवा चली रही है, तो रात में ये सब लोग ऊपर से नीचे आ गए, यहाँ पे यहाँ बैठे हुए थे यहाँ से। ये उनका जो उनका क्या नाम है, आरुषि की जो माँ यहाँ लेटी हुई थी, उनका पिताजी यहाँ लेटा हुआ था। तो मतलब जब ऊपर से आए हैं तो जानते हो हल्का फुल्का जब नींद आता रहता है तो वो दूध में आ रहा, दूध पिला रही। हाँ, दूध पिला रही थी वो, तो पता नहीं कहाँ से यहाँ से इसके अंदर बैठा हुआ था, ये बाहर बैठा हुआ था, तो वो छीना झपटी हुआ है माँ से भेड़िए की। हाँ, छीना झपटी हुआ है, यहाँ पे दांत लगा है, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे 2-3 जगह दांत लगा हुआ, जख्म हो गया, बना पूरी तरह से जख्म हो गया, ब्लड निकलने लगा इसमें। फिर रात में एम्बुलेंस बुलाया गया, एम्बुलेंस बुला के फिर उस पर गया मासी, लेके गया मासी, मासी से रिफर हुआ फिर जिला अस्पताल में। अच्छा, ये बताइए अब जब इस तरह की घटना हो गई है तो किस तरह का माहौल है आप लोगों यहाँ? सब डरे हुए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि एक बार पहले भी आ चुका था। देखो हमारा मकान है यहाँ पीछे है, देखो चारपाई बंधी हुई है इसलिए कि इधर से जा नहीं सके जिना बाहर से। एक बार पहले ये हादसा हो चुका है, 1 महीने पहले से चढ़ गया था ऊपर, लेकिन बचाव हो गया था, हम लोग ऊपर लेटे हुए छत पे। तो साथियों, ये आरुष का मकान है, जो 6 माह का 6 माह का बच्चा है, वो अपनी नानी के यहाँ आया हुआ था घूमने के लिए कुछ कार्यक्रम में, और अब जब घटना हो गई है तो पूरा दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, हालांकि जो छठा भेड़िया है वो वन विभाग के थर्मल रोड कैमरे में कैद भी हो चुका है, अब वन विभाग उसको पकड़ने में कितनी जल्दी कामयाबी हासिल करता है। बहराइच के मासी क्षेत्र से बिन्नू वाल्मीकि की लोकल 18 के लिए रिपोर्ट।